स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन एक बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी तल्लीनता के साथ आगे बढ़ रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती देने के लिए। खासतौर पर अगर हम नजर डालें पुराने आंकड़ों पर और आज अगर हम उनसे उसको कंपेयर करें, तुलना करें, तो एक चीज पाते हैं, अब लोगों ने समझ लिया है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने घर के साथ साथ अपने देश को, अपने आसपास के वातावरण को किस तरह से साफ रखना है। स्वच्छ भारत मिशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारी यही कोशिश रहती है इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएं कि गांव, शहर, कस्बों में क्या क्या कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बदनपुर गांव में और दिखाएंगे एक ऐसी सक्सेस स्टोरी कि वहां पर किस तरह से खुले में शौच की जो समस्या है उस पर पार पाया गया है, गांव को ODF कर दिया गया है। अब लोगों ने ये मान लिया है कि सामाजिक रूप से भी और स्वास्थ्य के लिहाज से भी खुले में शौच जाना कितनी गलत बात थी, जिस पर हमने मुक्ति पाई है। अब हमारा गाँव खुले में शौच मुक्त हो गया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। सफलता की कहानी, स्वच्छ भारत अभियान। हमीरपुर जनपद के राजस्व ग्राम बदनपुर में सभी परिवार शौचालय सुविधा से 100% न केवल आच्छादित हैं, बल्कि सभी इस बात के लिए जागरूक हैं कि खुले में शौच जाने से किन स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने इस गांव का दौरा किया। ये गांव विकास खंड मुख्यालय से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जागरूकता, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासनिक लगन का परिणाम है कि यहां शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और सड़क संपर्क मार्ग की व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। यहां शुद्ध पेयजल हेतु कुल 22 हैंडपंप लगाए गए हैं और ये सभी ठीक हैं और गांव वासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। बदनपुर को ODF संतृप्त गांव बना दिया गया है। हमने कुछ लाभार्थियों से ये जानने का प्रयास किया कि वे अब कैसा महसूस करते हैं। मेरे गांव में 132 परिवार हैं, जो कि सभी लोग अपने अपने शौचालय में ही का ही प्रयोग करते हैं। मोदी सरकार ने अच्छा किया जो किया है, माना लेटरिंग, पहले बाहर जाते थे, बीमारियां बहुत होती थी, अब यहीं करते हैं, घर भर हम इसी में जाते हैं। बदनपुर के निवासी शिव कुमार दिव्यांग हैं। शिव कुमार न केवल स्वयं साफ सफाई का खूब ख्याल रखते हैं, बल्कि वे और लोगों के लिए भी प्रेरणा पुरुष हैं। शिव कुमार अपने घर में ही बने शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लेते हैं। शौचालय, इससे मैं बहुत खुश हूँ, इससे मेरी परेशानी पूरी दूर हो गई है। मैं बहुत परेशान था लेटरिंग होने में, खेत जाया करता था, कहीं जंगल जाया करता था, मेरी परेशानी पूरी दूर हो गई। मोदी जी की सरकार से मैं बहुत खुश हूँ। गांव में घरों में बनाए गए शौचालयों का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए और खुले में शौच को रोकने के लिए ग्रामीणों की एक समिति बनाई गई है। इस समिति के मुखिया को चैंपियन कहते हैं। बदनपुर गांव की समिति के चैंपियन हैं कृष्ण कुमार। चैंपियन कृष्ण कुमार अगर किसी भी ग्रामवासी को खुले में शौच के लिए जाता हुआ देखते हैं तो वे तुरंत उसे घर के शौचालय के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। हमने जब कृष्ण कुमार से बातचीत की तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ ODF गांव बदनपुर से
चैंपियन हूँ, जो कि निगरानी समेत सुबह शाम 4 बजे सुबह और शाम को 4 बजे देखते हैं कि कोई परिवार के व्यक्ति बाहर तो नहीं शौच के लिए जा रहे हैं। तो खुले में शौच से मुक्ति के लिए हम इतना प्रयासरत हैं कि हमारी समिति भी बनी हुई है जिसमें मैं चैंपियन हूँ। उसके हिसाब से सभी लोग अपने शौचालय का ही प्रयोग करते हैं, कोई भी बाहर शौचालय के लिए नहीं जाता है। मैं ये सुबह शाम रोज देखता हूँ अपने टीम के जरिए। धीरे धीरे गांव के लोगों में जागरूकता फैल रही है, वे सफाई का महत्व समझने लगे हैं और ये भी जानते हैं कि ज्यादातर बीमारियां गंदगी से ही फैलती हैं। अगर गंदगी को खत्म कर साफ सफाई रखी जाए तो न केवल तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि इलाज में खर्च होने वाले पैसे और समय को भी बचाया जा सकता है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, चारों तरफ ये धूम मची है। घर घर में एक अलख जगी है, अलख जगी है। बूढ़ जवान हो, जवान हो, जवान हो, आओ मिलकर सफल बनाए स्वच्छ भारत अभियान हो, आओ मिलकर सफल बनाए स्वच्छ भारत अभियान हो। करो अब झाड़ू रोज लगाओ, कूड़ा करकट लेकर प्यारे मिट्टी में दफनाओ। साफ सफाई से हो अम्मा भोजन रोज पकाओ, हाथ धोए के खाना खाए बचपन को समझाओ, बचपन को समझाओ। इस गांव के छायांकन के बाद हम पहुंचे जिला हमीरपुर, जहां स्वच्छ भारत मिशन को बहुत कुशलता पूर्वक चालित कर चुके पूर्व पंचायती राज निदेशक और हमीरपुर के वर्तमान जिलाधिकारी श्री उदयवीर सिंह यादव ने कहा, जो टोटल
परिवार हैं उनमें शौचालय की व्यवस्था करनी है। इनमें 1,69,000 हमारा कुल लक्ष्य था, जिसमें से 1,05,000 शौचालयों का निर्माण हम लोग कर चुके हैं। हाल ही में जो कंसेप्ट चेंज हुआ है वो ये है कि ODF हमको ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इसको आधार मानते हुए एक तरह से मूल्यांकन इस कार्यक्रम का किया जा रहा है। फिलहाल हम लोगों ने बदनपुर, ये ब्लॉक कुरारा का एक राजस्व गांव है, इसको खुले में शौच से मुक्त घोषित किया हुआ है। आओ मिलकर सफल बनाए स्वच्छ भारत अभियान हो। चंदौखी ग्राम शौच खुले में शौच से मुक्त है, इसलिए हम सब बच्चों को ये चाहिए कोई भी खुले में शौच न जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके यहाँ शौचालय बने हैं, लगभग सबके घरों में बने हैं। ऐसा कोई बच्चा है जिसके घर में शौचालय न हो? अगर है तो शौचालय में जाना ही जाना है, नहीं है तो भी अगल बगल के शौचालय में जाना है। खुले में शौच किसी को नहीं करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि बीमारियां कहाँ से आती हैं, बाहर से आती हैं, पर्यावरण से आती हैं, रोग के कीटाणु पर्यावरण में रहते हैं, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर हमला करते रहते हैं विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, चाहे वो शौच के माध्यम से हो, गंदगी के माध्यम से हो, या अन्य किसी के संसर्ग के माध्यम से हो। ना हम खुले में शौच करें, बहुत से हमारा परिवेश ऐसा है कि देहात के रहने वाले जानवर भी रहते हैं, हमारे घरों में भी जानवर रहते हैं, तो उनका भी मलमूत्र ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखना चाहिए और उनको भी बाहर कर देना चाहिए। हम लोग जागरूक हो गए, विद्यालय में आप पढ़ते हैं, सब लोगों को बताया जाता है कि इस खुले में शौच करना अपने आप बीमारियों को बुलाना है, कि आप अकेले नहीं बीमार होंगे, खुले में शौच करेंगे तो आप बीमार होंगे और दूसरे लोगों को भी बीमार करेंगे, क्योंकि वो गंदगी पर्यावरण के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से सारे वायुमंडल में फैलती है और जो भी वो संसर्ग में आते हैं वो सबके सब बीमार होते हैं। इसलिए बच्चों, सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि खुले में शौच नहीं करना है। हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए और हमें अपने नाखून को साफ रखना चाहिए और हमें काटना भी चाहिए, और जिससे हम अपने नाखून को साफ नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, उसमें जो कीटाणु हो जाते हैं वो हमारे शरीर, या पानी पिएंगे या खाना खाएंगे उससे हमारे हाथ के कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, जिससे हम रोगी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। या हमें साफ टॉयलेट में लैट्रिन करना चाहिए, और लैट्रिन करने के बाद हमें अपने हाथ धुलना चाहिए, अगर हम हाथ नहीं धुलेंगे तो उसमें कीटाणु हो जाते हैं और जिससे हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ हर घर में हर व्यक्ति की लैट्रिन बनी है और उसी में लैट्रिन का प्रयोग करना चाहिए। हमारे सर हमें सब बीमारी के बारे में बताते हैं और हमें नाखून कटाना नहीं चाहिए, जिससे नहीं हमारा नाखून नहीं कटाएंगे तो उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं तो उसमें चल जाते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। सफाई और खुले में शौच से मुक्त के लिए जिस तरह से लोग उत्साहित हैं, इससे आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही तमाम और गांवों में भी सफाई का वातावरण होगा। बाहर जाने से गंदगी से हम सब पूरा परिवार इसी में लैट्रिन होता है और हमको बड़ी सुविधा है, और कीड़ों मकोड़ों से रात बिरात से दिक्कत मिलती थी तो शौचालय बन गए हैं तो हमें अच्छी सुविधा हो गई है। स्वच्छता की अलख जगा दी गई है। गांव के बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी स्वच्छता अभियान में भागीदार बन गए हैं। आओ मिलकर सफल बनाए स्वच्छ भारत अभियान हो। हर किसी की जुबान पर है ये नारा कि आओ मिलकर सफल बनाए स्वच्छ भारत अभियान को। वहाँ के लोगों ने खुद माना, जैसा कि आपने देखा कि जब वो खुले में शौच जाते थे तो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू का डर रहता था, लेकिन अब तस्वीर बदली है। शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती थी, लेकिन अब गांव से पूरी तरह से बीमारियां चली गई हैं। लोगों को डायरिया, उल्टी, दस्त, बहुत सारी बीमारियां होती थी जिन पर लगाम लगी है। अब वहां के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही वहां पर एक व्यक्ति जिसको चैंपियन नियुक्त किया गया था, उसकी कोशिश यही रहती थी कि सुबह उठकर गश्त लगाए और देखे
कि कोई खुले में शौच तो नहीं जा रहा है, तो एक समग्र प्रयास है जिसके लिए हर कोई वहां पर जुटा और बदनपुर गांव को ODF कर दिया गया। अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी ही कोशिश इंदौर के मरोद गांव की। वहां पर बच्चों को वानर सेना का नाम दिया गया और उन्हें इंदौर स्वच्छता संग्राम में किस तरह से शामिल किया गया, आइए आपको भी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित मरोद गांव के बच्चों ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर बदलाव की एक नई बयार बहाई है। मरोद गांव के लिए खुले में शौच जाना एक आदत बन चुका था, जिसके चलते न केवल गंदगी की समस्या बनी रहती थी बल्कि गांव में रहने वाले करीब 3,000 लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। समस्या से निपटने के लिए गांव की सरपंच संगीता बिलोनिया ने गांव के बच्चों के समूह की अलग अलग टीम तैयार की, जिसे नाम दिया गया वानर सेना और जिसका मकसद था मरोद गांव में स्वच्छता संग्राम लाना। बच्चों की इस टोलियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताने के साथ गंदगी की दुष्परिणामों की जानकारी भी दी गई, ताकि गांव वालों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। वानर सेना के ये बच्चे रोज अल सुबह उठते और जैसे ही किसी ग्रामीण को खुले में शौच करते देखते तो सीटी बजाते। धीरे धीरे लोगों में स्वच्छता के प्रति रुझान बढ़ने लगा। स्वच्छता की इस मुहिम में बच्चों की सहभागिता बढ़ने लगी। हम सुबह 5 बजे उठकर इधर उधर घूमते थे और जो भी शौच करता जाता था, शौच करता पकड़ा जाता था, उसको हम समझाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए जगह जगह। जिला प्रशासन इंदौर ने मरोद गांव के इस नवीन प्रयोग को पूरे जिले में लागू किया और जिले के प्रत्येक गांव में स्वच्छता प्रेरकों की निगरानी में वानर सेना के समूह बनाए गए। अपने बच्चों के माध्यम से भी इस योजना को लागू करना और खुले में शौच मुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए बच्चे एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। इस पर सोच विचार करने के पश्चात हमने प्रत्येक गांव में बच्चों का एक सेना बनाया जिसको हमने वानर सेना के रूप में उनको परिभाषित किया। पूरे गांव ने मिलकर के ग्रुप बनाए, ग्रुप बना करके जहां जहां शौच के लिए जाते थे वहां जाकर के हमने हमारी जो समितियां थीं उनको जा करके वहाँ खड़े किए, वानर सेना बनाई, वानर सेना उन पे ध्यान रखती थी। हम लोग जो है कंट्रोल एक जगह होता था, गाड़ियों में सरपंच वगैरह हम लोग होते थे, यदि वो नहीं सुनते थे तो हम वहाँ पर जाते थे, उन लोगों को समझाते थे। पिछले 2 सालों में मरोद गांव में 80 शौचालय बनाए गए हैं। खुले में शौच जाना जिन लोगों की आदत बन गया था उन्हें वानर सेना की सजगता के चलते शर्मिंदगी होने लगी और लोगों ने इन शौचालयों का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहले किसी को दस्त लग रहे हैं, उल्टी हो रही है, पेट दुख रहा है, सर्दी खांसी हो रही, बुखार आ रहा है, भयंकर बीमार रहते थे पहले, क्योंकि बाहर सारी लैट्रिन भारी रहती थी और आजकल क्या बाहर नहीं है तो सफाई है तो कुछ बीमारियां नहीं है। आज मरोद गांव के साथ इंदौर जिले की सभी 312 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। लोगों की सोच में बदलाव आया है, गांव स्वच्छ और सुंदर हुआ है। इन बच्चों की इच्छा शक्ति हमें यकीन दिलाती है कि स्वच्छ भारत अभियान न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे गांवों में भी जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कई बार जब आप सड़कों पर निकलते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, कोई कूड़ा फेंक रहा होता है तो आप कहते हैं कि मत फेंको, तो दूसरा ये कहता है आपको क्या पड़ी है, क्या ये आपकी जिम्मेदारी है, वो उसकी मर्जी है वो फेंके या ना फेंके। तब आपको कैसा लगता है? वाकई बुरा लगता होगा, लेकिन अब चीज़ें बदलने लगी हैं क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का यही उद्देश्य है कि हर किसी को ये समझना होगा कि स्वच्छ भारत मिशन कोई सरकारी आंदोलन नहीं है बल्कि एक ऐसा जन आंदोलन है जिसमें सभी को प्रयास करना है और अपने देश को साफ रखना है। NFDC द्वारा हाल ही में कुछ उत्कृष्ट फिल्मों को प्रदर्शित किया गया, आइए आपको भी दिखाते हैं उसमें से पुरस्कृत एक ये शॉर्ट फिल्म। तू कभी सोच ना सके। ओ अंकल ये क्या? तू क्या इस देश का प्रधानमंत्री है?
माझ्याशी बोलायचं नाहीये. किती उशीर? अगं झाला उशीर, सॉरी, कामात होतो ना मी. हे बघ, मी त्यासाठी काय आणलं घे. ते उचल आधी. अगं जाऊ दे ना ते. अरे पण तू कचरा उचल आधी. तू काय स्वतःला पंतप्रधान समजतेस काय? प्रणाम भाऊजी. अरे छुट्टी का शादी मामा आ रहे हैं ना. अरे पैसा लेके आएंगे भाई, ऐसे कैसे. अरे लूटे का अंकल. क्या हुआ भाई, आपने क्या किया? अरे तुम तो इस देश का प्रधानमंत्री हो. हाँ हूँ मैं इस देश का प्रधानमंत्री. स्वच्छ भारत का इरादा हो, आहे मी पंतप्रधान. आता उचलते. स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने. देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने. मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये मेरा मुल्क है. आई एम द प्राइम मिनिस्टर. मैं हूँ प्रधानमंत्री. हमारा देश महान. भारत मेरा देश. हाँ देश माता है. ये मेरा देश है. दिस इज माय इंडिया. हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी. चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी. स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे. साफ सुथरी रोशनी में. ये तो आप सभी मानते होंगे कि अब साफ सफाई दिखने लगी है. चाहे आप सार्वजनिक स्थानों पर जाएं, किसी विद्यालय में जाएं, हर बच्चा ये समझता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंके, इधर उधर थूक ना फेंके. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एहसास करा रही हैं कि स्वच्छ भारत मिशन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है. आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव परामर्श हमें इस पते पर भेजें. हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in. आप हमारे इन कार्यक्रमों को एक बार फिर से यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. फिलहाल स्वच्छ भारत की पूरी टीम आपसे लेती है इजाज़त, इसी संदेश के साथ कि भारत को स्वच्छ बनाना है, हम सबको इसके लिए जुट जाना है. नमस्कार.